है 11 सितंबर 2023 और जो है महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले के सुजालपुर गांव में हमारे गोविंद भाई, इन्होंने जो है स्थाई बेड निर्माण करके और केला लगाया है, यानी इनका केला अब जीवन भर इस जो है खेत से केला आते रहेगा। और इसके लिए इन्होंने यहां पर लगभग 2% कार्बन, 2% कार्बन इनकी खेत की मिट्टी में हो गई है। और केला इन्होंने 5x9 लगाया, बताइए कैसा लगाया? 5x9 आप लोग उधर मत जाओ, इधर रहो जरा, ऐसे रहो। अभी बताइए 5x9 कैसे? लाइन से लाइन 5 फीट। लाइन से लाइन कितना है? 5 फीट। 5 फीट पौधे से पौधा 9 फीट। ये 9 फीट है? 9 फीट। अच्छा, ये 9 फीट है और जिग जैग। अच्छा, और जिग जैग मतलब 1 2 3 जिग जैग है, 4 फिर 5 है, जिग जैग है, जिग जैग। तो ऐसे में कितना है ये? 6.5 फीट जाता है। 6.5 फीट। अच्छा, तो जो मैं बात करता हूँ कि भाई अभी क्या करो कि आपको जो है उधर की मिट्टी इधर, इधर की मिट्टी इधर, ये रहेगा आपका परमानेंट बेड रहेगा, ठीक है। और पत्ते भी कटेंगे तो इसमें बिछाएंगे, ये रहेगा हमेशा नाली नाली, ये रहेगा नाली। हाँ, इधर आइए जरा, ये रहेगा हमेशा नाली, नाली। और थोड़ा उधर हटिए, और ये रहेगा बेड, ये रहेगा बेड, तो ये बेड रहेगा, ठीक है। और इस पे क्या है, जो भी पत्ती कटेंगी सब बेड में डलेगा, नाली हमेशा खाली रहेगा। आप ये नाली की गहराई भी करना करना है, और गहराई कितनी करना? 1.5 फुट तक, ताकि इसकी जड़ जब भी काटाई करोगे आप, नाली साफ करोगे ना, इसकी जड़ दिखेगी। और जड़ भी काट देना, जब जड़ काट दोगे तो फिर से जड़ आएगी। जड़ हमेशा पूर्णिमा में काटना चाहिए। जब भी जड़ आएगी पत्ती आता है, ठीक है ना, जब भी नया रूट निकलता है पत्ती निकलती है। और केले में यही है, अगर जड़ खराब ना हो तो जिंदगी भर केला आप एक ही जगह से ले सकते हो। लोग रासायनिक में पहले साल के बाद दूसरे साल इसलिए बदल देते हैं, उनमें जड़ ही नहीं रहती, कितनी बड़ी बड़ी जड़ रहती हो अभी काली काली, इसलिए दूसरे साल हमेशा नया केला लगाना पड़ता है। पर इसमें नया केला इसलिए नहीं लगाना पड़ेगा, जड़ साफ रहेगा। फिर से आपको केवल क्या है, इसको दाएं बाएं करते रहना है, और 5 साल बाद क्या करना है, ये जो नाली है इसमें जो है पत्ती और ये सब बिछा के भर के इसको बना देना बेड, और ये क्या हो जाएगा नाली, ये फिर नाली, फिर ये क्या चलेगा बेड। नाली में पूरा भर देना आप, क्या क्या भरोगे नाली में? राख, सुनिए मैं बताता हूँ, क्योंकि पोटास चाहिए इसको, सल्फर चाहिए, राख, 1 एकड़ में लगभग 4-6 क्विंटल राख भुरकना है, ऐसा बिछाना नहीं है, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी, ठीक है। और जो भी इसकी पत्ती है, जो भी ये पत्ती है, जो अच्छी अच्छी मिट्टी है, वो सब इधर से उठा के, क्योंकि यहाँ नाली बनाना है, तो यहाँ से उठा के कहाँ कर दिए नाली में, और ये क्या बन गया फिर नाली। अगले 5 साल फसल कहाँ लेना है? हाँ, तो 5 साल बाद बेड, ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, 5 साल में यहाँ नाली, 5 साल में यहाँ नाली, 1 महीना 17 दिन का केला होगा। मैंने मे में कटिंग नहीं आऊ, जून में कटिंग आऊ, इनका था बागे बागे चला, खड़ा कर दिया। अच्छा, क्या क्या चला है मिट्टी में गुरु जी? सब क्या क्या चला चुके गुरु जी? मैं लाल, पीली, सफेद, रॉक फॉस्फेट 200 किलो डाला हूँ। अच्छा, ऊर्जा जल और जीवाणु जल ही दिया है मैंने इसको अभी। अभी ऊर्जा जल और केवल जीवाणु जल और लाल सफेद मिट्टी। हाँ, ये पौधे को मिट्टी कहाँ डाले हो? पूरा खेत में रॉक फॉस्फेट भी? हाँ, पूरा खेत में। मिट्टी उठाओ जरा, दिखाओ इसमें सुगंध कैसी है, देखते हैं कुछ है गंध, देखो जरा बताओ। अगस्त और सितंबर में सूंधी सूंधी है, महक अच्छी है कि नहीं? अभी तो बारिश निकली है, आज है 11 सितंबर 2023, हर महीने की वीडियो भेजो, ठीक है। और अभी देखिए 1.5 महीने में कितनी पत्ती आ गई आपकी, केला लगाने का उचित समय कौन सा है? 12 ये सितंबर ज्यादा अच्छा रहता है, सितंबर ज्यादा अच्छा। ये इसकी वजह से रुकवाया है गुरुजी मैंने, ये क्यों नहीं दिया
मई में केला निकलना नहीं चाहिए, इसलिए रुकवा के रखा है इसको। मुझे बस मरा साया नहीं इसके लिए दिया नहीं। कुछ नहीं आप रासायनिक रासायनिक में डेढ़ महीने में क्या क्या डालते हैं? डेढ़ महीने में पहला डोज तो डालना पड़ता है। क्या डालते हो पहला डोज? डीएपी, पोटास, यूरिया। यूरिया भी डालते हैं? यूरिया। और लगाने का और लगाते समय क्या डालते हो? दो एक बार ड्रिंचिंग करना पड़ता है। क्या करते हो? वही लगाने समय पेशल डोज की टेंची। उन्नीस उन्नीस पहले जो बेड लगाते हैं ना, बेड में डाल देते डाल देते बेड में डालते। और स्प्रे कुछ करते हो? स्प्रे भी करना। डेढ़ महीने में क्या स्प्रे करते हो? ये रासायनिक करते हैं। बताओ बताओ क्या जहर कौन सा डालते हो? एनपीके डालता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट का कुछ तो बोलो। इल्ली मार डालते हो? जब अपन पौधा लगाते ना तो बाकी बेड में स्पेशल डोज डाल देते हैं। हां हजार पे इसको डालना पड़ता है। एक डीएपी, एक पोटास और एक यूरिया। अच्छा, अगर मालिक अच्छा रहा तो मैग्नीशियम भी देता बराबर। उसके बाद में आठवें दिन उसको ड्रिंचिंग करना पड़ता है। कितने दिन में? ओ आठ से नौ दिन। नौ दिन? आठ दिन में। आठ दिन में अभी आज लगाया ना, आज से आठ दिन के बाद करते डेंजिंग है। फंगीसाइड का और क्या करते हैं? फंगीसाइड डालते हैं और उसमें क्लोरोप्रोपेनोफॉस जो आता है वो भी डालते हैं। वो भी डाल दीमक में, दीमक के लिए, दीमक के लिए ये दो डाल देते हैं। अभी ये बोल रहे काका के डेढ़ महीने का, अभी दूसरा डोज डालने की तैयारी होती है। रासायनिक रासायनिक पोगा पोगा भरने के लिए वैसे ही आपका है। इससे ज्यादा ग्रोथ था क्योंकि मैंने ओकेपी डाला था और नैनो नत्रजन। ये जो हम पोगा भरनी करते हैं ना, इसमें मैंने ओकेपी डाल दिया और नैनो नत्रजन डाल दिया। यहाँ डाले यहाँ इससे बड़ा था मेरा। उससे बड़ा है? इससे बड़ा था। क्या फायदा हुआ? पान का जो गैप आता ना, यह तो सीधा पेट में जाता, इनका गैप बढ़ जाता। और केले में दो ही चीज है, पान का जो गैप है वो बड़ा होना होने का, और ये जो पोगा ये बोलते इससे नया पत्ता बड़ा आने को बस। पर इसके लिए सीधे इसमें डाल देते हैं? सीधा इसमें डाल देते। अभी इसकी ऊंचाई मान लो इतनी है, तीन फुट है, तो आपकी कितनी हो गई? इतनी हो गई। ये किसने बताया ये भरना है? इधर सब पोगा भरते हैं, सब पोगा केमिकल में, लोग केमिकल में, केमिकल में यूनिक डालते हैं उसमें सब मैग्नीशियम होगा, कॉपर हो गया, सीधे इसमें डाल देते हैं। 200 ml के भैया, तो तुम लोग भरो यार पोगा ओकेपी का और नैनो खनिज का। नैनो खनिज और ओकेपी और नैनो नत्र 15 गुरु जी, गुरु जी 15 लीटर पानी का फॉर्म ले लेते हैं, वो नली का नोजल निकाल के पोगा बोलते। अच्छा हां, दो काम होते हैं यहाँ पे। इसमें भी चला जाता है, जो ज्यादा डाल दिया ये आताने को भी मिल जाता। कब से परंपरा शुरू हुई? दो चार साल, पाँच साल से थी। पूरा एरिया में ये इधर नंबर वन टेक्नोलॉजी है नंदुरबार जिला का, ये टेक्नोलॉजी। अच्छा ये बताओ, पोगा भरने से कितनी लंबाई आ जाती होगी, मतलब पत्ते से पत्ते की दूरी? गुरु जी 6 inch से ऊपर आता है, 6+ चलता है, 6 के नीचे नहीं रहे। रिजल्ट वही है, पोगा भरने से फास्ट रिएक्शन होता है। जमीन से पहले रूट्स लेते हैं, रूट्स के बाद स्टंप लेता है, स्टंप के बाद में पत्ता लेता है। ये सिर्फ डायरेक्ट डालना है तो ये डायरेक्ट पेट में जाके डायरेक्ट एक्शन करता है। कम टाइम में
और इनका एक डबल फायदा। ये बताओ जहर जो आपने तो कोई जहर नहीं डाला फंगीसाइड? फंगीसाइड पेस्टिसाइड, ठीक है ये करिए। चलिए अच्छा बात है, मतलब ये है रासायनिक से बेहतर है, रासायनिक में इतना बड़ा नहीं होता, एक महीना 17 दिन का। अभी एक केला है भाई बच्चों घसना हम बाकी किसान क्या करते हैं, पूरा इसको यहाँ से कल्टीवेशन करके इतना चढ़ा देते हैं। पास में इतना ही है, इतना ही इतना ही किसान चल बात वो गलत है, वो गलत है क्योंकि सब जगह तोड़ डालता ना साउंड सिस्टम वालों। चलिए चलिए आगे देखते हैं।